कौन ने सलमान खान के मुंबई अपार्टमेंट से हमला करने वाले आरोपी किंच किया गया उन्होंने गिरफ्तार ते इस टाइम की ने सलमान खान फैमिली के हालात विद्या बालन तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित हु इज गोना बी द नेक्स्ट मोंजुलिका ऑफ बॉलीवुड कौन ने बॉलीवुड के नवे मिस्टर एंड मिसिज माही एंड डिड द मूवी गॉट फाइनली द रिलीजिंग डेट किदा दी चल रही है चमकीला दी OTT परफॉर्मेंस नेगेटिव और पॉजिटिव के हो जाए ने क्रिटिक्स दे रिव्यूज एंड ऑन लास्ट असी डिस्कस करांगे कि क्यों हो रहे ने उर्वशी रोटेला एक बारी फिर तो जम के ट्रोल इना सारी चीजों के बारे चर्चा होएगी इन टुडेज एपिसोड ऑफ बॉली पॉली गपशप हेलो जी सत श्री अकाल दिस इज मी ऑसिम ते एक बारी फिर मैं तुहाडे लई लैके आ गई हाँ अगला पार्ट ऑफ बॉली पॉली गपशप जिहदे विच असीं सब तो पहला जिक्र करांगे अबाउट सलमान खान मुंबई अपार्टमेंट फायरिंग केस सलमान खान दे मुंबई विच स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट दे उत्ते 14 अप्रैल नूं फायरिंग कीती गई सी दो मोटरसाइकिल सवारां दे द्वारा जिन्हां नूं मुंबई पुलिस दे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है यह गिरफ्तारी जिहड़ी है राजस्थान दे भुज तों हुई है उत्थों इन्हां दोनों मोटरसाइकिल सवारां नूं गिरफ्तार किया गया वैल बहुत लंबे समय तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे द्वारा सलमान खान नूं मारन दीआं धमकियां दित्तियां जा रही सन एंड जदों इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उहदे विच इह पाया गया कि इह दोनों आरोपी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे नाल संबंधित सन जिन्हां दोवां आरोपियों का नाम जो है वह विक्की गुप्ता ते सागरपाल दस्या जा रहा है रीसेंटली मुंबई पुलिस ने इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया होया तो उन्हां तो पुछगिछ जिहड़ी है वह जारी है और जस्ट आफ्टर दिस इंसीडेंट सलमान खान की सिक्योरिटी नूं होर ज़्यादा वधा दिता गया जदों ही घटना हुई सलमान खान उस टाइम अपने अपार्टमेंट के अंदर ही सन बट शुक्र वाली गल ए है कि उन्होंने किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होया है एंड जस्ट आफ्टर दिस इंसीडेंट उन्होंने फैमिली ने उन्होंने विजिट किया है अरबाज ने रीसेंटली अपने सोशल मीडिया के उत्ते एक पोस्ट साझा की है जिदे उन्होंने ये दसिया कि फैमिली पूरी तरह ठीक है पर वो लोग जो इस तरीके दी अफवाह फैला रहे हैं कि एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है उन्होंने अरबाज ने रिक्वेस्ट की है कि वो यहोजी अफवाह ना फैला बिकॉज इस टाइम उन्होंने फैमिली इन्होंने सारिया चीज़ों सॉर्ट आउट करन दे हालातों के नहीं है On number 2, let's talk about Bhool Bhulaiya 3, one of the most lovable and hit horror drama of Bollywood. Bhool Bhulaiya, jo ki 2007 de vich release hui si, hun tak film de do sequel ban chuke ne and third sequel di shooting shuru ho chuki hai. Recently, Kartik Aaryan nu Bangalore de vich movie da shoot karde hoye dekhya gaya siga. Is wari movie nu Anees Bazmi direct kar rahe ne. Utthe jekar main star cast di gal karan, ta main lead de vich tusi Kartik Aaryan nu dekhan wale ho and also the national crush, the new national crush of India, Tripti Dimri vi movie da hissa ne. वैल कार्तिक आर्यन एंड तृप्ति डिमरी की इस जोड़ी नूं देखने के लिए फैनस ऑलरेडी एक्साइटेड सीगे कि हुण एक नवा एक्साइटमेंट का बंडल जिहड़ा है वो ऑडियंस के अगे मेकर्स ने पेश कर दिता है द OG एक्ट्रेसिज ऑफ बॉलीवुड विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित इस बारी इस फिल्म का हिस्सा रहने वाले ने विद्या बालन जो कि भूल भुलैया के विच मोंजुलिका का किरदार निभाते हुए पाए गए थे एक बार फिर तो भूल भुलैया 3 का हिस्सा ने एंड हुण ऑडियंस के मन के सवाल है कि आखिरकार इस बारी मूवी के विच मोंजुलिका कौन रहने वाला है इज इट तृप्ति डिमरी माधुरी दीक्षित और विद्या बालन ये चीज़ अजय क्लीयर नहीं की गई है और एक होर खुशखबरी मैं तुम्हें दे दवा कि द मोस्ट लवेबल सोंग ऑफ भूल भुलैया आमी जे तुमार एक बार फिर तो भूल भुलैया 3 के रीमेक वर्जन के तौर पर थोड़े अगे पेश किया जाएगा जिदे विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है वैल एक खबर जी काफ़ी ज़्यादा इंट्रस्टिंग है भूल भुलैया के मोंजुलिका कोई भी होए बट एक गल क्लीयर है कि इस साल दिवाली के उत्ते ना बंपर धमाका तुम थिएटर के फेस करन वाले हो जो कार्तिक आर्यन आका रूह बाबा एक बार फिर तो अपनी टीम के नाल आ जाएंगे तुहानू एंटरटेन करन दे वास्ते वैल फिलहाल तुहाडा इस ट्रायो के बारे एंड कार्तिक आर्यन के बारे की कहना है लेट मी नो इन द कमेंट नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर एंड मिसिज माही एक नवी बॉलीवुड फिल्म है जिन्हों की शरण शर्मा के द्वारा डायरेक्ट किया गया है मेन लीड के देखने वाले हो जानवी कपूर एंड राजकुमार राव नू वैल जानवी कपूर एंड राजकुमार राव ऑलरेडी हॉरर ड्रामा मूवी के काम कर चुके हैं एंड हुण एक बार फिर तो यह जोड़ी तुहाडे रूबरू हो जा रही है विद मिस्टर एंड मिसिज माही एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म रहने वाली है जिदे विच तुसी जानवी कपूर या फिर राजकुमार राव नू एक क्रिकेटर का किरदार निभाते हुए देखने वाले हो बट हु इज़ गोना बी द क्रिकेटर एक क्लीयर नहीं किया गया मिस्टर एंड मिसिज माही जो नाम फिल्म दिता गया है ये तो ऑडियंस ये अंदाज़ा भी लगा रही है कि कितने ना कितने हो सकता है एक कहानी जो है वो महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ तो इंस्पायर होए उन्होंने उत्ते बनाई गई हुई मेकरस ने हाले ये उत्ते कोई क्लैरिटी नहीं दी है तो इन्होंने सारिया चीज़ों सस्पेंस रखा गया है जानवी कपूर की जेकर मैं गल करा तो रिपोर्ट्स का कहना यह भी है कि वो मूवी के लिए खास तैयारी कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी फिजिकल ट्रांस
ट्रांसफॉर्मेशन की है एंड स्टिल शी इज इन टू जिम एंड स्पोर्ट्स नाल रिलेटिड क्रिकेट नाल रिलेटिड बहुत सारिया चीज़ा सीख रहे हैं। वैल उन्हों की तैयारी तो पूरी पूरी चल रही है बट थिएटर के तैयारियां की रहन वाली ने कि रिस्पोंस फिल्म नू मिलन वाला है वी आर एक्साइटेड टू सी। उत्थे जेकर मैं रिलीजिंग डेट की गल करा तो 31 मई 2024 फिल्म की रिलीजिंग डेट फाइनल हो चुकी है। सो लेट सी इस बारी राजकुमार राव एंड जानवी कपूर साडे लिए की नवा लैके आ रहे हैं। तुसी इस जोड़ी के बारे की कहना चाहते हो लेट मी नो इन द कमेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चमकीला डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली एंड स्टारिंग दिलजीत दोसांझ एंड परिणीति चोपड़ा इन मेन लीड। ये फिल्म नैटफ्लिक्स के उत्ते रिलीज़ हो चुकी है एंड काफ़ी अच्छा रिस्पोंस मूवी नू हुण तक दर्शकों वालों दिता जा रहा है। उत्थे ही जेकर मैं क्रिटिक रिव्यूज़ की गल करा तो क्रिटिक्स के वलों मूवी नू रलवें मिलवें रिस्पोंस दिते जा रहे हैं। स्टोरी नू लैके दिलजीत के करैक्टर नू लैके परिणीति के करैक्टर्स नू लैके रलवें मिलवें रिस्पोंस दिते जा रहे हैं। बट जेकर IMDB की रेटिंग नू देखा जाए तो 10 दे विचों 8.3 रेटिंग इस टाइम वर्ल्डवाइड जी चमकीला दी जा रही है। इम्तियाज अली ने जिस तरीके दे नाल चमकीला की जिंदगी दिया बारीकियां दिखाया है एंड दिलजीत दोसांझ ने किस तरह उन्होंने बारीकियां अपनाया है इस चीज़ की ऑडियंस वालों एंड ईवन क्रिटिक्स के वालों भी तारीफ की जा रही है। कहते हैं कि जेकर क्रिटिक्स किसी मूवी की तारीफ करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलबात होंगी है और चमकीला दे जो परफॉर्मेंस दिलजीत दोसांझ एंड परिणीति चोपड़ा की रही है और जिस तरह उन्होंने तारीफ की जा रही है आई एम श्योर कि यह मूवी जी है होर भी ज़्यादा अगे जाने वाली है। इस टाइम यदी कॉम्पीटिशन दिल्मों चुने मैदान एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ चल रही ने जो कि थिएटर के ने बट स्टिल बड़े मियाँ छोटे मियाँ अगे चल रही है। वी आर होपिंग कि इस बारी चमकीला जी है वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो अगे लंघ जाएगी। तो की मनना लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। ऑन लास्ट लैट्स टॉक अबाउट उर्वशी रौतेला। उर्वशी रौतेला जिन्ना अपने काम को लैके फेमस रहते हैं अपनी ब्यूटी को लैके फेमस रहते हैं वायरल रहते हैं उन्ना ही ज़्यादा वो ट्रोल्स के कारण भी वायरल रहते हैं। तो एक बार फिर तो ट्रोल्स का हिस्सा बन गए हैं जी उर्वशी रौतेला। आखिरकार होया की है मैं दस दी यार। दरअसल उर्वशी ने रीसेंटली अपने इंस्टाग्राम के उत्ते जूनियर NTR के नाल एक फोटो शेयर की है एक सैल्फी शेयर की है जिदे उत्ते उन्होंने इंस्टाग्राम फिल्टर लगाया होया तो फिर कि यूजर्स लग गए ने उन्होंने क्लास लगा कहते जी कि सानू तो जूनियर NTR पछाणिया ही नहीं जा रहा कि उही है क्योंकि इन्ने सारे फिल्टर ने यूजर्स ने तो इतों तक कह दिता है कि जूनियर NTR इज़ लुकिंग लाइक अ स्टैचू क्योंकि उन्हों का फेस बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलैस लग रहा है। बट असल दे विच ए एक रियल पिक है जो उर्वशी ने शेयर की है जूनियर NTR दे नाल विद फिल्टर एंड यूजर्स नू एक बार फिर तो मौका मिल गया उन्होंने ट्रोल करन दा। देखो यार अगली दा इंस्टाग्राम है अगली दे फिल्टर ने इंस्टाग्राम ने फिल्टर भी तो इसलिए पाए ने ना कि अपन उन्होंने यूज़ कर सकी। सो जी लैन तो यार उन्होंने बेचारी मतलब ऋषभ पंत तो बाद हुण एक होर मौका यूजर्स नू मिल गया होया कि आप किदा उर्वशी नू ट्रोल करिए। लैट हर लिव हर लाइफ यार एंड तुसी भी अपनी जिंदगी जियो एंड फिल्मा जो जो ने मैं तुहानू दसदी रहिंदी आ कि ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਂਡ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਸਟ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਗੱਪ ਸ਼ਪ।